नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम। इस कक्षा को 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है। अब तक हमने इससे संबंधित 2 क्लासेस देख लिए हैं। अब तीसरे क्लास में क्या क्या आता है थोड़ा विमर्श कर लेंगे। औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। इस एकांकी में औरंगजेब को अंतिम घड़ी में 7-8 चिंताएं सता रही हैं। इस एकांकी में क्या दर्शाया गया है, औरंगजेब को अपनी आखिरी घड़ी में, आखिरी समय में, अंत के समय में एक 7-8 चिंताएं हमेशा सता रही है, उसे लेखक क्या कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है वो चिंताएं, क्या थी वो समस्याएं, देखेंगे। पहला है धर्म के नाम पर हिंदुओं पर अन्याय। औरंगजेब ने जो किया है उसका जो पश्चाताप कर रहे हैं वो क्या है, धर्म के नाम पर क्या किया उन्होंने, हिंदुओं को अन्याय किया था, हिंदुओं को बहुत जो तकलीफ दी थी, समस्या में डाल दिया था, उसके बारे में वो चिंता कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे तो औरंगजेब द्वारा पिता शाहजहां की कैद और क्या चिंता सता रही है उनको, उनको अपने खुद के पिता को जो कैद किया था, अपने ही पिता को उसने जो औरंगजेब ने कैद किया था ना, उसकी भी चिंता सता रही है, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। फिर भाई दारा मुराद की हत्याएं, अपने ही खुद के भाइयों को उन्होंने क्या किया था, हत्या की थी, मार डाला था, किसके लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए। भाई दारा और मुराद की हत्याएं के बारे में भी वो क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और बेटे आजम कामबख्श आदि की कैद, अपने खुद के बेटे आजम की कैद की भी चिंता उनको सता रही है, क्यों इसने अपने बेटे को कैद किया था, क्योंकि वो अधिकार पाने के लिए, संपत्ति के लिए, धर्म प्रचार के लिए, अनेक अनेक कारणों के लिए उसने क्या किया था, इस तरह की कृत्यों काम किया था। तो अब इस संदर्भ में वो चिंताएं उनको सता रही है। चले आगे, तो औरंगजेब को अंतिम घड़ी में ये चिंताएं सता रही है। और क्या क्या चिंता सता रहे, मराठा राजकुमार शंभाजी की हत्या और मराठाओं का वैरत्व। अब सोच रहे हैं कि मैंने शंभाजी की हत्या क्यों की थी और शंभाजी की हत्या कर क्यों उनकी दुश्मनी मैंने मोल ली थी, वो उसके बारे में भी क्या कर रहे हैं, अब चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर वो सोचते हैं प्रजाओं पर अन्याय, अपने ही प्रजा पर उसने क्या किया था, अन्याय किया था। थोड़े संदर्भ में अधिकार पाने के लिए, अधिकार कायम रखने के लिए उन्होंने अपने ही प्रजाओं पर बहुत सारी जो अन्याय किया था उसकी बारे में, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, उसकी चिंताएं सता रही हैं। और हिंदू सतनामियों की हत्या, देखो सात्विक लोगों की, जो लोग किसी को अन्याय नहीं करते, किसी की बुराई नहीं चाहते, ऐसे लोगों की भी हत्या उन्होंने कभी कभी किसी संदर्भ में करना पड़ा, तो उसके बारे में भी आज क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इस एकांकी में फिर ये भी देखते हैं कि रिक्त कोष की चिंता, अब जिस हालत में औरंगजेब पहुंचे हैं उस संदर्भ में उसका पूरा कोष क्या हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया, उसका खजाना पूरा खाली हो गया। और उनको कौन सी चिंता सता रही है, बुढ़ापे की चिंता।
अपने अंदर कोई ताकत नहीं है, बूढ़ा बन गया है, अब वो कोई युद्ध नहीं कर सकता है, अब किसी को जीत नहीं सकता है, ऐसी चिंता क्या कर रहे हैं, उसे सता रही है। फिर आगे चलेंगे तो हम देखते हैं औरंगजेब की आखिरी रात में, आखिरी रात बेटे भाई रिश्तेदार न होने की चिंता, उनको और क्या चिंता सता रही है, अंतिम समय में मरते समय में उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि उन्होंने ही खुद क्या किया, उनको खो दिया है, दूर कर दिया है, इसलिए उस समय आखिरी समय उसे मालूम हो रहा है कि तड़प रहा है, कि आखिरी सांस ले रहा है, उस संदर्भ में ना बेटे हैं, ना भाई हैं, ना रिश्तेदार हैं, कोई सगे संबंधी, कुछ भी ना होने की चिंता और उनको दूर करने का पश्चाताप भी उनको सता रहा है। ब्रह्म मुहूर्त आजान के समय प्राण संकट में है, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उस समय, या जो आजान हो रही है, आजान होने के समय में उसे प्राण संकट हो रहा है, मरने के क्या है तड़प आ रही है, एक एक कर सबको याद करना, इस समय में तड़पते संदर्भ में मरते समय में वो क्या कर रहा है, एक एक करके सब चीजों को, सब घटनाओं को, सब लोगों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है, अपने कुकर्मों की याद करना, और क्या कर रहे हैं राम औरंगजेब, अपने कुकर्मों को भी याद कर रहा है, यानी कि बुरे कामों को जो उन्होंने किया है, बुरे काम कुकर्म उनको भी याद कर रहा है। दक्षिण भारत के मराठाओं की लड़ाई में खोए संपत्ति की याद करना, चुपचाप जो दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए मराठाओं पर क्या किया उसने, जो लड़ाई की, उस लड़ाई से बहुत सारी संपत्ति खो दी, उसकी भी अब क्या कर रहा है, याद कर रहा है। आत्मा का तड़प तड़प कर आजान के समय, आजान के समय में अल्लाहु कहकर प्राण त्याग देना, आजान हो रही है, आजान के समय में जो अल्लाह अकबर जो याद करते हैं, तो उस समय में अजान कंप्लीट नहीं हुई है, उसी समय में वो क्या करते हैं, अल्लाह बोल के वहीं पर प्राण त्याग देते हैं, कौन, औरंगजेब। इस प्रकार औरंगजेब का अंत को दिखाना रामकुमार वर्मा की बुद्धिमानी है और समाज को एक पाठ भी है, इस प्रकार दिखाना क्या है, रामकुमार वर्मा की बुद्धिमानी है, चालाकी है, कि इंसान कैसे तड़पता है, कैसे सोचता है, कैसे याद करता है और उसका अंत किस तरह होता है, ये दिखाना और समाज को एक सबक भी सिखाना, एक लेसन भी टीच करना, पाठ भी सिखाना, उनका एक क्या है, बुद्धिमानी है, चालाकी है। तो आगे चलते हैं तो हम इससे क्या जानकारी पाते हैं, हम और छात्र सब लोग क्या जान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि साम्राज्य विस्तार करने वालों को किस तरह घबराहट होती है, साम्राज्य विस्तार करने वालों को, फैलाने वालों को क्या होती है, घबराहट होती है, सब पर भरोसा उड़ जाता है, सब पर से भरोसा उड़ जाता है, घबराहट होती है कि कहीं ये धोखा ना दे, कहीं ये धोखा ना दे, या कहीं वो आक्रमण ना करें, ऐसी घबराहट होती है, ये हम जान लेते हैं। और सगे संबंधियों से नाता नहीं तोड़ना चाहिए, हम सब क्या जान लेते हैं, इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि कोई भी हो, कैसे भी हो, सगे संबंधियों से नाता नहीं तोड़ लेना चाहिए। और क्या सबक मिलता है या जानकारी मिलती है, धर्मांध नहीं होना चाहिए, इस आजकल की बहुत प्रामुख्यता पाने वाली चीज है कि धर्मांध नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति राजा क्रूरी नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो, कोई भी हो, क्या नहीं होना चाहिए, क्रूरी नहीं बनना चाहिए, ये हम जान लेते हैं, ये हम इससे सबक पा लेते हैं, पाठ सीख लेते हैं। तो रामकुमार वर्मा का उद्देश्य क्या है इस एक अंक में, समाज को सही रास्ते पर लाना, औरंगजेब की हालत को बताकर, स्थिति को बताकर समाज को क्या करना, सुधारना, सही रास्ते पर लाना,
व्यक्तियों को सदाचारी बनाना, इंसानों को, मनुष्यों को, व्यक्तियों को क्या करना, सदाचारी बनाना, अच्छे आचरण वाले बनाना, राजा नेता प्रजा की भलाई करना। और क्या सिखाता है, राजा हो, नेता हो, लीडर हो, वो क्या करना है, प्रजा की भलाई करना है, भलाई सोचना है, भले काम करना है, यही इससे या इसका उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है, भाइयों को भाइयों की तरह, बेटों को बेटों की तरह देखना। औरंगजेब ने तो न भाइयों को भाइयों की तरह देखा, पिता को न पिता की तरह देखा, बेटों को न बेटों की तरह देखा, सब दुश्मन नजर आते थे उनको, इसलिए ऐसा नहीं करना, इनको उनके संबंधियों को उनके संबंध से ही देखना। और पिता की इज्जत करना, चाहे पिता कैसे भी हो उनकी इज्जत करना, क्योंकि पिता किसी पुत्र की बच्चों की बुराई नहीं चाहते, चाहे वो कैसे भी पिता हो, वो अपने पुत्रों की बुराई नहीं चाहते। इसलिए इस पाठ से हम क्या सबक सीखते हैं या इसका उद्देश्य क्या है, पिता की इज्जत करना भी सिखाना लेखक का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर भाग में। प्रश्नोत्तर भाग में हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या है। हमने तो जिक्र कर लिया है, तो औरंगजेब के पिता का नाम क्या है, आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, अ अकबर, ब चंगेज खान, क शेरशाह, द शाहजहां। क्या है उत्तर, उत्तर है द शाहजहां। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न यह है, दारा किसका भाई था, दारा किसका भाई था। ऑप्शंस हैं शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, मुराद। अ शाहजहां, ब अकबर, क औरंगजेब, द मुराद। तो इसमें उत्तर क्या है, हमारे इस एकांकी के अनुसार आपको उत्तर देना है, उत्तर है क, दारा किसका भाई था, औरंगजेब का भाई था। ठीक है, अब आपको इसके बारे में और जानना है और डिटेल में पढ़ना है, तो आपको संदर्भ ग्रंथ बताया गया है, उसका नाम है आठ एकांकी, जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद ने किया है, इसमें आप और जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।